हेलो एंड वेलकम टू पेंडुलम ईडीयू। आज हम लेके आए हैं आपके लिए वर्ड ऑफ द डे फॉर 9th मई 2020। चलिए देखते हैं आज का वर्ड क्या है। आज का वर्ड है क्वांडरी। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है क्वांडरी। अब हम देखते हैं कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है और इसकी मीनिंग क्या है। ये जो वर्ड है ये एक नाउन होता है और इसकी मीनिंग्स हैं आई स्टेट ऑफ परप्लेक्सिटी और डिलेमा और अ सिचुएशन ऑफ डिलेमा। इसकी अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो इसकी मीनिंग होती है व्याकुलता या आशंका, मतलब कि किसी कन्फ्यूजन की स्टेट में होना। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल सेंटेंसेस के थ्रू पढ़ लेते हैं। राहुल इज इन अ स्टेट ऑफ क्वांडरी वेदर ही शुड ज्वाइन इन SBI और PNB एज अ PO। इसका मतलब है कि राहुल जो है वो एक कन्फ्यूजन में है कि वो SBI को ज्वाइन करे या PNB को एज अ PO। उसका PO की तौर पर सिलेक्शन हुआ है दोनों बैंक में, तो वो किस बैंक को ज्वाइन करे वो इस चीज़ के कन्फ्यूजन में है। आप पेंडुलम ईडीयू के साथ तैयारी करें तो आपका भी ज़रूर सिलेक्शन होगा, आप भी बैंक PO में बिल्कुल सिलेक्ट होंगे। हमारे स्टडी मटेरियल को यूज़ करिए और उसमें आप डेली बेसिस पे पढ़िए और आप हमारे जो भी हमारे रिसोर्सेस हैं उनको आप यूज़ करेंगे तो आपका बिल्कुल सिलेक्शन होगा। एक और सेंटेंस देखते हैं। दी COVID-19 पेंडेमिक हैज़ क्रिएटेड अ स्टेट ऑफ क्वांडरी एमंग द इन्वेस्टर्स टू बैक द स्टार्टअप्स। जो COVID-19 पेंडेमिक है उससे एक जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके मन में कन्फ्यूज़न आया है, एक उनके मन में डिलेमा है कि वो जो नए स्टार्टअप्स हैं उनको बैक करें या ना करें, उनमें पैसा लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन है आगे का पता नहीं कि चीज़ें चलेंगी या नहीं चलेंगी, इसलिए उनके मन में एक कन्फ्यूज़न आ रहा है। चलिए अब हम इस वर्ड के कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी देख लेते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं डिफ़िकल्टी, डिलेमा, इम्पास, प्रीडिकमेंट, और इसके एंटोनिम्स हैं सॉल्यूशन, बून, सक्सेस, एडवांटेज। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये वर्ड समझ आया होगा, इसकी मीनिंग क्लियर हुई होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो पर कमेंट करें और अपनी चैनल पेंडुलम वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।